कानपुर के पर्रा इलाके में एक बार फिर से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां लखनऊ निवासी मौसेरे भाई ने अपनी बहन को शादी का झांसा देकर महीनों तक दुष्कर्म किया और जब नाबालिग गर्भवती हो गई तो धोखे से दवा खिलाकर गर्भपात भी करा दिया। वहीं नाबालिग के परिजनों ने जब आरोपी से शादी करने की बात की तो उसने और उसके परिवार वालों ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार कार्रवाई के लिए कई दिनों तक थाने और चौकी के चक्कर काटता रहा, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। वहीं जब इस संबंध में एसपी साउथ दीपक भूकर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। क्या हुआ है, मामला किसने आपके साथ में क्या किया है? मेरी मौसी का लड़का ने यहाँ आता रहता था और फिर बोलता था मेरे साथ गलत काम किया लगातार। जब मेरे पेट में बच्चा आ गया तो बोलने लगा सही समय आएगा तो मम्मी पापा से बोल देंगे, और फिर उसके बाद धोखे से हमको दवा खिला दी, फिर मेरा बच्चा गिर गया। अभी आप जो है कहाँ आई हैं? हम थाने आए हैं। अभी क्या पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई हुई है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कहा नखलाओ का मामला नखलाओ में, अभी FIR दर्ज नहीं की गई है। कितनी बार थाने आ चुके हो? गए 3-4 बार हो गए हमको आए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं? कौन है वो लड़का जो जिसने आपके साथ काम? रोहित मौसी का लड़का। क्या है पूरा मामला? सर ये कि हमारे साड़ू का लड़का हमारे घर आना जाना रहता था, जैसे मेरा पुत्र वैसे वो भी मेरा पुत्र भी, मतलब विश्वास का कारण पूरा था सही सर कि एक लड़का है, भाई बहन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन वो आता था जाता था दोनों में। उसने शादी का झांसा दे के 8-10 बार उससे शारीरिक संबंध बनाया यहाँ पे। शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसकी मौसी यहाँ यहाँ पे 2 माह के पहले की बात है लेके गए लड़की को वहाँ पे। लड़के ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए, इस बीच में 2 महीने का बच्चा आ गया इसके पेट में। जब वहाँ बात हुई, जब लड़की ने बताया तो इसको वहाँ पे हमको भी मालूम नहीं हुआ, हमारी बीवी को मालूम, बीवी ने हमको बताया तो बीवी वहाँ लेके गई। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा नहीं है ये, अगर 2 महीने के अंदर बच्चा निकलता है 2-2.5 महीने का तो मेरा है, क्योंकि 2 महीने मेरे यहाँ रही है लड़की, ये मैं मान लूँगी। जब उन्होंने कहा तो उनकी अल्ट्रासाउंड कराया गया वहाँ पर लखनऊ में। शादी की बात से क्या इनकार किया उसने? जी हाँ, शादी पहले पूरी बात सुन लीजिए, अल्ट्रासाउंड कराया उनकी लड़की ने सोनी ने, और उसके बाद जब वो मालूम हो गया कि हाँ मेरा ही बेटा है, माना भी, फिर कह रहे हैं कि अब हम शादी नहीं करेंगे, फिर इसको दवा खिला दिया। अच्छा, अभी आप कहाँ आए? अब मैं भर्रा थाने आया हूँ सर। क्या आप किसी कोई मामला दर्ज किया? नहीं, हमने किया था 112 नंबर किया था, जब इसके शरीर के टुकड़े कट कट के गिर रहे थे तब मेरे को समझ में आया था 112 किया था, जिसमें काशीराम अस्पताल से एक एम्बुलेंस आई थी और यहाँ के भर्रा थाने के भी भर्रा चौकी के भी गए थे सर, इतना नहीं मालूम भर्रा चौकी इसको आया था कि भर्रा थाने आते थे 3 लोग। 100 नंबर वाली गाड़ी भी आई थी 112 जिसका नाम हो गया। कब से आप थाने आ रहे हैं? थाने मैं 18 तारीख से आ रहा हूँ सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ ये कहा जाता है कि आप जाइए वहाँ का पता बताइए, पता लेके आइए वो लोग हैं कि नहीं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये इसमें एक पीड़िता के जो पिता हैं उन्होंने थाने पे तहरीर दी है कि उनकी जो लड़की हैं उनके साथ शादी का झांसा देके उनके साथ रेप का और अदर एलिगेशंस उन्होंने लगाई हैं और उनको अभी प्रेग्नेंट भी बता रहे हैं। तो इस संदर्भ में बर्रा थाने पे FIR दर्ज करके हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और लड़की को नाबालिग भी बताया जा रहा है, उसके भी हम एज प्रूफ लेके वो भी हम चेक करवाएंगे। सर, पीड़िता के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि धोखे से उसको दवा खिलाकर गर्भपात करवाया गया है, ये एलिगेशन जितनी भी एलिगेशन उन्हें लगाई हैं और उनकी जितनी भी संगत धाराएं बनती हैं हम उनमें सब में FIR दर्ज करेंगे और बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट सामने आते हैं उसके बेसिस पे हम कार्रवाई करेंगे।